तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मौसम बहुत सुहाना था तो मैं सोची कि गाजर का हलवा बना लूँ। इसके लिए मैंने गाजर ले लिया है, इसको अच्छे से धुल लिया और कद्दूकस कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना बारीकी से कद्दूकस किया है। और मैंने 1 लीटर मदर डेयरी का अल्ट्रा दूध लिया है। दूध को गैस पे रख दिया है गर्म करने के लिए और दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं कोई दूसरा और काम निपटा लेती हूँ। दूध लगभग गर्म हो चुका है और मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट ली हूँ, उसको काट रहे हैं। दूध में एक उबाल आ चुकी है और ड्राई फ्रूट्स भी कट गए हैं। अब मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए और घी ले लिया है। देख सकते हैं एकदम ताज़ा घर का देसी घी है। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो गई है कढ़ाई। अब उसमें मैं घी डालूंगी। घी ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, जितना गाजर हो उसके अनुसार होना चाहिए ताकि गाजर अच्छे से भून सके। मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया, घी गर्म हो रहा है। मुझे लगता है अब घी लगभग गर्म हो चुका है। घी पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके गाजर को डालेंगे और उसको हम भूनेंगे। गाजर को डाल के हम उसको चलाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से चलाएंगे कि घी ताकि उसमें मिल जाए। जब अच्छे से चला लेंगे फिर हम उसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा वो गाजर भून सके अच्छे से। दूध डालेंगे। दूध डालकर हम उसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। चीनी डालेंगे, गाजर के अनुसार चीनी डालेंगे, ना ही ज़्यादा मीठा रहे ताकि अगर मीठा ज़्यादा होगा तो पूरा गाजर का हलवा एकदम मीठा मीठा लगने लगेगा। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार उसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हम उस हलवे को चलाएंगे, उसके बाद हम उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के चलाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं गाजर का हलवा थोड़ा कितना अच्छा कलर आ गया है, येलो कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑरेंज कलर वाला गाजर लिया था। हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा कलर आया है।
अभी हम लोग इसको एक प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के लिए लेंगे। अभी मैंने इसको टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा लगा।